पंजाब किंग्स तो जरूर ये मुकाबला हार गई, 8 विकेटों से उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शिखर धवन ने अपनी इस पारी के दौरान एक खास कीर्तिमान रच दिया है और आईपीएल 2023 में वो नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज कैप की, तो शिखर धवन इस सूची में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। अगर हम ऑरेंज कैप की सूची देख रहे हैं तो शिखर धवन नंबर 1 पे हैं। 3 मैचों में उन्होंने 3 पारियां खेली हैं जिसमें 225 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर आज का जो स्कोर 99 है और उनका एवरेज 225 का है, तो वहीं स्ट्राइक रेट शानदार 149 का है। अगर हम दूसरे बल्लेबाज को देखें तो वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी 3 पारियों में 189 का स्कोर किया है। इनका हाईएस्ट स्कोर 92 का है, वहीं एवरेज 94.5 का है, तो स्ट्राइक रेट उनका 161.53 का है। तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर का नंबर आता है। हालांकि डेविड वार्नर कंसिस्टेंट जरूर रहे इस आईपीएल में, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट एक इशू है और दिल्ली कैपिटल्स को उनकी पारियां कहीं से भी फायदा देती हुई नहीं दिख रही हैं। वार्नर ने 3 मैचों में 158 रनों का स्कोर किया है जिसमें हाईएस्ट स्कोर उनका 65 का रहा है। एवरेज तो जबरदस्त है उनका 52.67 का, लेकिन स्ट्राइक रेट मात्र 117 का है। वहीं चौथे नंबर पर जॉस बटलर आपको दिखेंगे, उन्होंने 3 मैचों में 152 रन बनाए हैं, 79 रनों का उनका हाईएस्ट स्कोर है, तो एवरेज 50 का है बटलर का, लेकिन स्ट्राइक रेट शानदार 180 का है, जो कि इन 4 बल्लेबाजों में सबसे सर्वाधिक है। वहीं अगर हम बात करें, काइले मेयर्स 5वें नंबर पर हैं। 3 मैचों में लखनऊ के इस बल्लेबाज ने 139 रन बनाए हैं जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 73 का है और एवरेज शानदार 46.33 का है, तो वहीं स्ट्राइक रेट भी काफ़ी खतरनाक तरीके से उन्होंने 187 का बनाकर रखा हुआ है। तो ये 5 प्रमुख बल्लेबाज थे जो ऑरेंज कैप के कंटेंडर हैं, लेकिन शिखर धवन कहीं आगे निकल चुके हैं इन बल्लेबाजों की सूची में। 225 रन बना चुके हैं और उनका एवरेज शानदार 225 रनों का है, तो शिखर धवन ने जरूर अकेले दहाड़ लगाई पंजाब किंग्स की तरफ से, अन्य बल्लेबाज विफल रहे और इस शिखर धवन की जो पारी है वो काफ़ी खास उनको बनाती है, क्योंकि एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन वो एक इंड पंजाब किंग्स का थामे हुए थे। अन्य बल्लेबाज अगर साथ देते तो शायद ये स्कोर 170 से 180 का रहता और पंजाब किंग्स इस स्कोर पे ज़्यादा फाइट दे पाती सनराइजर हैदराबाद को। लेकिन जो भी रहा, आज शिखर धवन का अगर इस पारी की बात करें तो इसकी प्रशंसा हर जगह होगी और शिखर धवन अभी भी दिखा रहे हैं कि उनके अंदर काफ़ी टैलेंट बाकी है और अभी भी वो इंडियन टीम में आने के एक वन ऑफ द कंटेंडर बने हुए हैं। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।